Assalamualaikum, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज जिनकी हम बात करने जा रहे हैं उनके तारफ की कोई जरूरत नहीं, आप सब उन्हें अच्छी तरह से जानते हो। ही इज अ सिंगर, एक्टर, एंटरटेनर एंड अ ऑफिशियली वॉइस रिकॉर्डर फॉर डोरेमन कार्टून्स फॉर द कैरेक्टर ऑफ सोनिया। 5 साल में तुम बहुत बड़ी सुपरस्टार बन जाओगी और उसके बाद तुम मिस वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीतोगी शिजुका। जी, हम बात कर रहे हैं वजाहत खान की, द वेरी टैलेंटेड बॉय। नहीं, एक मिनट, हम उनके कार्टून देखने नहीं जा रहे। आजकल उन्होंने एक नया काम शुरू किया हुआ है। वो क्या करते हैं कि सेलिब्रिटीज के फोन नंबर कहीं से ढूंढ लेते हैं और उन्हें कॉल करके प्रैंक्स करते हैं। ओह नो, इस वीडियो में इन्होंने प्रैंक किया है ट्रिगर इंसान को, तो हम देखते हैं कि इन्होंने क्या गुल खिलाया इसमें। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो स्वागत है आप सबका, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो तुरंत से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ताकि आप मेरा वीडियो देख सकें। और मुजाहद साहब आज कितना रोस्ट कर रहे हैं ट्रिगर इंसान को, ये देखते हैं हम अपनी वीडियो में। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो देन। हेलो एवरीवन, मैं वजाहत हसन। दोस्तों, आज हम जिनके साथ प्रैंक करने वाले हैं उनको अगर मैं हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा फेवरेट यूट्यूबर कहूं तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। उनको आप लाइव इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, नोनू के नाम से जानते हैं और भी ना जाने कितने सारे आपने नाम उन्हें दे रखे हैं। मैं उन्हें द चॉकलेट बॉय बोलता हूं क्योंकि उनकी चॉकलेट बॉय इमेज कमाल की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं निश्चय मलहन की, यानी कि आपके ट्रिगर्ड इंसान की। लेकिन उनके ऊपर प्रैंक करने के लिए मुझे उनकी मॉम की हेल्प चाहिए, तो मैं आंटी को फोन करने वाला हूँ। चलिए उन्हें फोन करते हैं। पैरी पैरा आंटी, चलिए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। तो जैसा मैंने आपको बताया था फोन पर, हमें वो निश्चय के ऊपर एक प्रैंक करना है और उसमें मुझे आपकी आपकी हेल्प चाहिए। प्रैंक फिर से? हाँ, फिर से। हाँ, मैंने देखा था, बड़ा मस्त था, बल्कि इंस्पिरेशन मिल गई मुझे उसे परेशान करने की आपसे। और अगर उसको पता चल गया मैंने हेल्प करी है तो बस फिर शामत आ गई मामा जी। हाँ, वो आप उसको पराठे खिला के उसको सही कर दोगे, मुझे पता है। अरे आप उसको फिर दोबारा से वही केक खिलाइएगा, थर्माकोल वाला। हेल्प मुझे आपकी ये चाहिए, एक तो जो उनके पास ना कोई कैमरा सेट करना है, अगर उनके वर्क स्टेशन पे जो कैमरा लगा है ना वो आप ऑन कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। और उसका ना, अगर वो कैमरा ऑन करेंगे ना तो जो मॉनिटर है उसका, उसको प्लीज ऑफ कर दीजिएगा। अगर कंप्यूटर का मॉनिटर या माउस चलता रहेगा ना तो निश्चय को पता चल जाएगा कि वो ऑन है। ठीक है, ठीक है। तो या तो आप कर दीजिएगा या अभिषेक से किसी से करवा लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है जी। और दूसरी बात, ये निश्चय अपने वर्क स्टेशन पर कब जाएंगे जो मैं उन्हें प्रैंक कॉल करूं? वो तो हर टाइम वही होता है। अच्छा, इतना बिजी रहते हैं वो? क्या बात है। ठीक है आंटी, थैंक यू सो मच आंटी। 24 आवर्स वही होता है। बाय बाय। तो दोस्तों, देखा आपने मैंने इस प्रैंक के लिए कितनी मेहनत की है। ये इस तरह का मेरा पहला प्रैंक है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको सबसे ज्यादा मजा कहां पर आया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंजॉय द वीडियो। हेलो हेलो, हाँ जी, ये निश्चय बात कर रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। निश्चय, मैं जगदीश अहलावत बात कर रहा हूँ, मैं थानेदार हूँ, SHO यहाँ पर हरियाणा में, और आप आपके खिलाफ थोड़ी कंप्लेन आई है। निश्चय सीधा होकर बैठ गया। ये कुछ दिन पहले जन्मदिन था आपका। हाँ जी। स्पीकर मिल गए वापस? हाँ जी सर, मिल गए थे, वो तो उसी वक्त मिल गए थे। मेरे मित्र हैं जो आपके घर के पास वाले थाने में थानेदार है ना, मेरे मित्र ही हैं वो। निश्चय की आवाज़ गुम। मुझे बताया था आपके बारे में। पहले तो मुझे बात बताओ, ये कुछ लोगों के नाम लिखे मेरे पास, ये कौन लोग हैं? एक तो ये निश्चय है, तो आप हो गए। हाँ जी। एक, एक, एक ये ट्रिगर्ड इंसान है कोई, एक लाइव इंसान है, एक ये नोनू है और एक ये गू है। गू
सर ट्रिगर्ड इंसान, लाइव इंसान और नोनू सर सारे मेरे ही नाम है। वो नोनू निकने में और वो बाकी दोनों चैनल के नाम है। और ये गू गू नहीं पता सर, ये तो टट्टी है यार, कोई गू भी लिखा हुआ इसमें। सर हग्गू होगा, हग्गू हग्गू नहीं है, कुछ और है, ये लास्ट में गू है कुछ है। सर ट्रिगो होगा ये, भाई क्या नाम रखे हैं ये, क्या है, है क्या ये सर? वो ट्रिगर्ड इंसान बहुत लंबा है ना, तो उसके लिए ट्रिगो कर दिया वो लोगों ने। नाम में कोई अपने आँखों में गू करता है? मैंने थोड़ी ना रखा, अब लोगों ने रख दिया। अब कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? Oh my God. सर वो YouTube वाले ना, YouTube देखा होगा आपने। निश्चय इज वेरी सीरियस। मेरे पास इतना टाइम थोड़ी फालतू। क्या बैरूपियों के इतना चार चार नाम रखे हुए आपने? सर वो नहीं, वो यू ये जो चैनल के नाम रखे हैं तो नहीं, ये क्या इंसान क्या रखा हुआ है इसमें, ट्रिगर्ड इंसान और ये लाइव इंसान, मतलब तू इंसान है बाकी सारे हैवान है जो देख रहे हैं। नहीं सर वो इंसान देख रहे हैं ना, इसीलिए तो इंसान रखा है। राक्षस देख रहे होते तो फिर राक्षस रख लेते। तेरे को मजाक सूझ रहा है क्या यहाँ पर? नहीं सर मैं मजाक कर सकता हूँ आपके साथ। तो ये चक्कर क्या है, कोई इंसान अपना नाम इंसान रखता है क्या? Oh my God. इंसान ये क्या है, क्या बकवास लगा रखी है? सर वो प्रूफ देने के लिए लोगों को कि मैं इंसान ही हूँ। प्रूफ देने के लिए लोगों को कि मैं इंसान ही हूँ। क्या एलियन भी बना के रखे हैं क्या चैनल, कोई जादू भी है? पता नहीं सर, हो सकता है बना। सॉरी सर। और ना अभी बहुत प्यार मोहब्बत की बातें बहुत हो गई, ये कंप्लेन आई है तेरे खिलाफ, मेरे थाने में दर्ज हुई है FIR, ठीक है? सर किसने कर दी कंप्लेन सर? ये सर वो ये मैं बता रहा हूँ, नाम है, कुछ नाम है मेरे पास, ये है क्या ढंटड़न पूजा। ढंटड़न या ढिंचक? ढंटड़न पूजा है ना ये, ढिंचक पूजा होगी सर। वो मेरे पे क्यों कंप्लेन करेगी सर, मैंने क्या कर दिया? तो कह रही है उसका मजाक उड़ा रहा तू उसके गानों का। सर वो तो पूरी दुनिया उड़ाती है, मैंने उड़ा के क्या गलत कर दिया सर? मुझे तो उसके गानों में एकदम सच्चाई पे आधारित गाने लगते हैं मुझे तो उसके। मेरे सामने बैठी है ये, कह रही है क्या, क्या बताया था बेटा? Look at his face. ये सेल्फी मैंने ले ली, तूने नहीं ले ली क्या? मैंने तो ले ली सर। सेल्फी उसने ली, सबने सेल्फी ले ली, मैंने भी ले ली सेल्फी, तो मैंने क्या गलत कर दिया? उसको दिक्कत थी तो मुझे बोलती ना, मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था उस पर तो रिप्लाई करती नहीं, सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई। जरूरी नहीं है ना सारी लड़कियां सीधा इंस्टाग्राम पे जवाब दे दें। अब मैंने भी कर रखा है ऐश्वर्या राय को मैसेज, मेरे को नहीं आया उसका जवाब। अरे साले सर, oh आप अपने एक वचन नहीं हो ना, मजे ले रहे हो सर, आप भी बताए नहीं कौन नहीं हो भाई। मेरी बात सुनिए, क्या 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 कर क्या रखा है उसने? दूसरा गाना भी कितना अच्छा है उसका, वो स्कूटर है मेरा, शूटर क्या है वो? कौन बोल रहा है, कौन मजे ले रहा है? जिद्दी शहलावत बात कर रहा हूँ, राम प्यारी पे जब सोटियाँ पड़ेंगी तो तेरे को पता चलेगा कोई मजाक नहीं हो रहा यहाँ पर। तेरे स्पीकर वाली बात मुझे पता है, कल तेरा जन्मदिन था है? मुझे पता है ना ये बात। He's got serious now. मेरी बात सुन। हाँ जी सर। मेरी बात सुन। हाँ जी सर। अब सीरियस होगी। एक और कंप्लेंट आई है। ये। अब किसकी कंप्लेंट? ये अंग्रेजी का जो ये है कोई बंदा है, ये बैगन। ये मोटा तगड़ा अच्छे घर का लड़का लग रहा है। बैंगन? बैंगन। हाँ कुछ उसकी अंग्रेजी का मजाक उड़ाता है ना तू। बैंगन। सर जी आई दो शो यो। हाँ वही बैंगन बोलता हूँ मैं उसको।
अब ये भी कंप्लेंट करेगा, ये तो ठीक है भाई। मुझे तो उसकी इंग्लिश बड़ी घनी अच्छी लगती है। इंग्लिश स्पीकिंग लाइक ए राइस प्लेट ईटिंग? नो, नेवर, नॉट। एकदम समझ में आती है मेरे को। तू बड़ा पता नहीं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा हुआ है कुछ ज्यादा ही है? मुझे तो समझ में आती है, तेरे को समझ में नहीं आती। सर योर कनाउलेड गे वेरी लो, यू अंडरस्टैंड हिज कनाउलेड गे? तेरे को फिर मजाक सूझ रहा है मुझे लग रहा है। अरे सर आपने बोला आपको, आपने बोला आपको बड़ी अच्छी लगी उसकी लैंग्वेज, आपने देखी है उसकी वीडियो देखी है कभी? सर ही से हिज कनाउलेड गे वेरी हाई, योर कनाउलेड गे आल्सो हाई, यू कनाउलेड गे? सर मी कनाउलेड गे वेरी वेरी हाई बट नो कनाउलेड गे बल। क्या चाहते हो? मुझे नहीं लग रहा तेरी बातों से और तेरे। सर आपने, सर आपने तो बोला कि आपको उसकी बड़ी अच्छी लगी भाषा, तो मैं तो बस उसी की भाषा में बोल रहा था। फोन कट गया। तूने फोन काट दिया क्या मेरा? मेरी इतनी मजाल सर, मेरे को लगा आप परेशान हो गए मेरे से, फोन काट दिया आपने। मैंने कोई फोन नहीं काटा, ठीक है? हमारे फोन का जो नेटवर्क होता है बहुत अलग लेवल का होता है, वो सीधा सैटेलाइट से आता है नेटवर्क हमारा। सर हम तो गरीब है ना, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। मेरा फोन का नेटवर्क तो नल्ली कंपनी देती है, कटता रहता है। हमें भी दिलवा दो सैटेलाइट से। तो तेरे को थाने में आना पड़ेगा ना, पहले जिप्सी भेजूं क्या? तेरे को थाने बुलाना ही पड़ेगा मुझे, मेरे को तो तेरी बात तो से। नहीं 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 नहीं, अरे 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 सॉरी सर। तेरे को भी स्पीकर मिल गया है? अरे तेरे को बड़े प्यार से स्पीकर दे दिया। सर मेरे मुंह से निकल गई भैया, मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं। मैं हाथ जोड़ के शत शत प्रणाम करता हूं, मेरे से गलती हो गई, मैं चैनल डिलीट कर दूंगा सर अपना, क्या हो गया ऐसी क्या बात हो गई। एक चीज और है, एक कंप्लेंट और आई है भैया, बॉम्बे से मेरे पास कंप्लेंट आई है। ये ना ये संगीतकार है टॉमी। टॉमी? टॉमी तो कुत्ते का नाम होता है। मैंने किस कुत्ते पे बना दी वीडियो? ये जो था ना तेरी बातें, ये ठीक मेरे को सीरियस बिल्कुल नहीं लग रही, तू हंस रहा बता। टॉमी सर आप कह रहे हो टॉमी, वो टॉमी पे तो मैंने बनाई ही नहीं कभी वीडियो आज तक। तूने बात तो करी थी बनाने की, वो जो गाता पजामा काला 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 काला, क्या है वो? अरे सर टोनी बोलो ना, क्या आप टॉमी टॉमी बोल रहे हो, मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो सर। टोनी टोनी कक्कड़। अरे टोनी टॉमी कोई भी हो, बात तो एक ही है। सर आई एम हिज बिग फैन, मैं ऐसे कैसे कुछ बोल दूंगा सर। नहीं नहीं मैं नहीं बनाता, मैंने बनाई थोड़ी ना वीडियो सर, बात भी नहीं कर सकते अब क्या मतलब। नहीं लेकिन तूने बात तो करी है, तू वीडियो बनाने वाला है, उसका गाना तेरे को पता समाज के लिए कितना भला काम कर रहा है। वो जितने भी गाने बना रहा है वो बहरे लोगों के लिए बना रहा है, जो बहरे होते हैं। वो बार बार वर्ड को रिपीट करता है, कुर्ता पजामा काला काला काला, जो बहरा होता है उसको एक बार में समझ में आती है बातें। ये पहली सर आपने बात ढंग की करी, मेरा मतलब ये बहुत अच्छी बात करी सर आपने एक्चुअली में। तो फिर मेरा मजाक उड़ाने पे लगा हुआ है मैं सर, वो ऐसा हो जाता है, वो इग्नोर करो मेरे को सर, मेरी बातों में इधर उधर निकल जाता। मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, तो माफ करना थोड़ा सा। सर एक बात बताओ, एक गाना गाती है सेल्फी मैंने ले ली आज दिलों का शूटर, एक कहता है मी का नाउ लेड गेबल, एक कहता है कुर्ता पजामा काला काला, कौन सा समाज का भला हो रहा है? जनता माफ नहीं करेगी। कैसी बातें कर रहे हो आप भी समाज के भाई, समाज की जो सच्ची घटनाएं उनके ऊपर आधारित ये चीजें, वो बैरों के लिए गाना बना रहा है। कितना वो बाबा बैरों के लिए, बुड्ढों के लिए गाना बना रहा है, बुजुर्गों के लिए सुनाई देता है, बुजुर्गों को एक बार में नहीं सुनाई देता है, करते रहते हैं है? सही बात है, मेरे से गलती होगी, मैंने सोच लिया ऐसा कुछ। एक लड़का है वो तेरा बड़ा दोस्त है और तेरे को बहुत अच्छे से जानता है, उसकी बात कराता हूँ तेरे से, रुक। कराओ कराओ। हाँ निशा भैया, मैं सोनिया बात कर रहा हूँ डोरेमोन से, कैसे हो? वो टेढ़े मुंह वाला सुनियो। हाँ टेढ़े मुंह वाला सुनियो, लेकिन असल जिंदगी में मेरा मुंह बिल्कुल सीधा है आपकी तरह, बस दाढ़ी थोड़ी ज्यादा आती है। ठीक है भाई, तुम लो डालो मजाक, बस यही बचा था। हाँ निश्चय, कैसे well भाई? मजाक बात कर रहा हूँ। आप बताओ आपको नंबर कैसे मिला मेरा? इस सारी खिचड़ी में आपकी मदर भी शामिल है, और वो जो कैमरा आपके ऊपर लगा है ना आपके सेटअप पे, वो भी अभी चालू है, तो उसमें भी आप हाई कर सकते हो अभी।
मतलब ये मेरे भाई वाला ये जो प्रैंक प्रॉपर प्रैंक मम्मी मेरी पहले मेरे को केक में प्रैंक कर दिया, अब ये कैमरा ऑन करके प्रैंक कर दिया, ठीक है मम्मी प्रैंकस्टर बन जाएंगी, अभी मम्मी प्रैंक वीडियोस डाला करेंगी चैनल पे। आपका बर्थडे था, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे हम सबकी तरफ से। अरे थैंक यू सो मच यार, लेकिन ये गलत है यार ऐसा, तुम मेरे को मतलब सीधा डराया भी देखो किस मामले में, वो पुलिस वाले मामले में। मैं लिटरली वीडियो बनाई है अभी के ऐसा वो स्पीकर वाला कांड हुआ और आपने वो वाली बात बोल के ना, पहले मैं बिलीव नहीं करता ठीक है, लेकिन आपने जैसे ही वो स्पीकर वाली बात बोली ना, थोड़ा सा मेरे को लगा नहीं ठीक है, मे बी शायद सचमुच कुछ सीरियस है, क्योंकि एक ऑलरेडी दिल में डर है कि यार थोड़ा सा इस टॉपिक पे बनाया भाई, कल को सच में कुछ ना होता है। मैंने इसीलिए ना वीडियो में कोई सीन वगैरह भी नहीं दिखाए थे कि भाई कुछ पंगा होना नहीं चाहिए, बट आपने जब वो बोला तो ऑलरेडी वो दिमाग में डर था, तो वो मेरे को एकदम से ऐसा हो गया कि ओके मे बी ये सच हो सकता है। फिर जब आपने वो ढिंचक पूजा वाली बात बोली कि आपको उसके गाने अच्छे लगते हैं, मैं कहा ये तो पक्का कोई मजाक कर रहा है, बट फिर उसके बाद पता नहीं यार, ठीक है भाई ठीक है ले लो मजे ले लो। अभी आपके करीब 7.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर, क्रिकेट इंसान चैनल पर। आई रियली विश के अगले साल तक आते आते आपके कम से कम 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स पार हो जाएं। अरे 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 इतना भी हम अंडर रियलिस्टिक ड्रीम नहीं रखते, 7 के 8 हो जाए वो भी बहुत है, वो भी बहुत है। मैं खुद आपका बहुत बड़ा फैन हूं यार, क्या कमाल के आप वीडियोस बनाते हो, मैं खुद एंजॉय करता हूं आपकी हर वीडियो। जाते जाते प्लीज हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बोल दो मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, आपकी बात सुनकर शायद ये लोग सब्सक्राइब कर ले। वजाहत भाई का चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाओ और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी आपको वीडियो और किस पे देखना चाहते हो आप प्रैंक, और वो आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच निश्चय, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या आप चाहते हैं कि निश्चय के साथ मिलकर सुनियो को कुछ करना चाहिए, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे जो ट्रिगर्ड इंसान है इनको मैं ट्रिगर करूं लेकिन पॉजिटिव वे में। क्यों निश्चय भाई, क्या ख्याल है? सही है, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच भाई इतना वक्त देने के लिए, ठीक है बाय। तो दोस्तों देखा आपने, ये थे वजाहत हसन जो कि ट्रिगर्ड इंसान को रोस्ट कर रहे थे। बहुत अच्छा रोस्ट किया, बहुत अच्छा पिक किया, मेरे तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया, मेरे तो आंखों में से पानी निकलना शुरू हो गया था, मेरा तो हंस हंस के बुरा हाल हुए जा रहा था। वजाहत खान ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, ऑब्वियसली ही इज एन एक्सपीरियंस एक्टर। और मम्मी जी बहुत बड़ी प्रैंकर निकली। अगर मम्मी जी हेल्प ना करती तो ऑब्वियसली वजाहत कुछ नहीं कर सकते थे, और थैंक यू वेरी मच मम्मी जी कि आपने हमारी हेल्प की और वजाहत ये वीडियो बना सके, बहुत अच्छा वीडियो बनाया। वजाहत के लिए मैं यही कहूँगी कि आई लाइक हिज स्माइल, द वे ही वाज स्माइलिंग यू नो, बार बार ऐसे ऐसे करके मुझे बहुत अच्छा लगा उनके स्माइल। फिर मैं यही कहूँगी कि कॉन्फिडेंस इज लाइक अ ब्लास्ट, स्पार्कलिंग कॉन्फिडेंस, यू नो इट्स लाइक ऑन अ डिफरेंट लेवल। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप जाके उन्हें सब्सक्राइब करें, उन्हें भी इनकरेज करें, उन्हें भी सपोर्ट करें। और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हो, यहाँ तक देख लिया वीडियो, तो मुझे भी सब्सक्राइब करो जल्दी से, और मैं मिलती हूँ आपको एक और अनदर ब्लास्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम यू लुक आफ्टर योरसेल्फ, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।